अभी अबू धाबी का एयरपोर्ट है, आइंदा इसकी बिजनेस लाउंज आपको चेक करवाता हूँ। और ये है जी रूम का व्यू, सिटी व्यू है जी, ये पूरी फ्रैंकफर्ट सिटी यहाँ से नजर आती है आपको। Here is Van Brook. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमर इरशाद एंड वेलकम टू माय चैनल। एक थोड़ा सा लाइफ अपडेट दे दूँ आपको, कुछ दिन से काफ़ी तबीयत ख़राब थी लेकिन अल्लाह का शुक्र अब काफ़ी बेहतर है। इस टाइम मैं कराची में हूँ, मेरा जी यूरोप ट्रिप स्टार्ट हो चुका है, तो कराची से मेरी फ्लाइट थी आगे फ्रैंकफर्ट की, बस अभी मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ, बाकी एयरपोर्ट जाकर बातें करते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। अभी मैं इस टाइम जी कराची एयरपोर्ट पे हूँ, मैजेस्टिक लाउंज है, ये हर बंदा एक्सेस कर सकता है जिसके पास बैंकल हबीब और फैसल बैंक बैंक अल्फला के जो प्रीमियर कार्ड्स होते हैं, अगर आपने वो बनवाए हुए हैं तो बनवा लें। 2 रुपीज़ चार्ज करते हैं, यहाँ पे आके अच्छा वाईफाई वगैरह भी है, वॉशरूम्स वगैरह की सर्विसेज भी अच्छी हैं, खाना वगैरह भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और जब तक आपकी फ़्लाइट है आप बैठे, जब जैसे आपकी फ़्लाइट का टाइम अनाउंस हो तो आप जा सकते हैं। बात तो सही है। मेरा गेट अनाउंस हो गया होगा और बोर्डिंग का टाइम भी हो गया, तो बस अब जल्दी से ही भाग रहा हूँ। कराची से मेरी फ्लाइट थी अबू धाबी की, तो मैं अबू धाबी पहुंच गया हूं। अब यहां से मेरी नेक्स्ट कनेक्टिंग फ्लाइट है जी फ्रैंकफर्ट की, तो बस अभी कामरा में का वेट कर रहा हूं, पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में, उनकी फ्लाइट भी लैंड हो रही है। कामरा भी मुझे यहीं से ज्वाइन कर लेंगे, एक दिन फ्रैंकफर्ट रहना है, तो वहां से फिर फ्रैंकफर्ट रहने के बाद हम नेक्स्ट डे हम जाएंगे स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड में इंटरलॉकिंग, वहां पे बाकी हम लोगों को सारा ग्रुप इकट्ठा वहां पे होगा, तो आप लोग साथ रहें। अच्छा, अभी अबू धाबी का एयरपोर्ट है, आइंदा इसकी बिजनेस लाउंज आपको चेक करवाता हूँ। कामरा भाई आ रहे हैं, उनके साथ बिजनेस लाउंज में मैं थोड़ी देर, कोई 1 घंटे का हमारा भी स्टे है, यहाँ पे हम स्टे करेंगे। सर्दी बहुत थी यार, इन्होंने टेम्परेचर ऑलमोस्ट 17 पे किया हुआ, 17 डिग्री के ऊपर, तो अल्लाह का शुक्र है कि जैकेट हैंड कैरी में ही थी तो वो मैंने पहन ली, अभी बहुत सर्दी लग रही थी यार। सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है भाई जान? कामरान भाई कैसे हैं? अल्लाह का फाइनली जी कामरान भाई आ गए, अब बिजनेस लाउंज का नज़ारा। कामरान भाई जी एंट्री कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस लाउंज के मेंबर यही हैं जिनकी वजह से मैं अंदर आया, तो इनकी एंट्री के बाद अंदर चलते हैं। ये लाउंज है, यहाँ पे सारा कुछ, आप अगर आपने थोड़ी देर रुकना भी है, स्टे भी करना है, स्टे भी कर सकते हैं, स्लीपर्स बने होते हैं और साथ खाना वगैरह हर टाइम दूसरे टाइप लगा होता है, मैं आपको शो करूँगा। फ्रैंकफर्ट का भी ग्रेट अनाउंस हो गया, 950 पे है अभी, 820 में है ऑलमोस्ट, अभी 1 आ रहा है अभी।
फ्रैंकफर्ट में लैंड हो गया हूँ और इमिग्रेशन भी हो गई है। अब बैगेज क्लेम की तरफ, अपना बैगेज वैसे मेरे पास है कोई नहीं, लेकिन बैगेज क्लेम से एग्जिट होना होता तो वहाँ से एग्जिट होने लगा। सीधा सीधा मैरियट होटल मैंने फ्रैंकफर्ट में मैंने बुकिंग करवाई भी है, वहाँ चेक इन करता हूँ, फिर अगली जर्नी स्टार्ट करते हैं। अभी बहुत हेक्टिक हुआ का फ्लोर पे रूम मिला। आपको भी दिखाता हूँ, वैसे पहले भी मैं इधर लास्ट टाइम जब आया था फ्रैंकफर्ट तो मैंने इधर ही स्टे किया था इसी होटल में, और ये रूम आई थिंक शायद इससे एक फ्लोर ऊपर था, मे बी, मुझे भी याद नहीं है। लाइट्स वगैरह अभी ऑन कर लेते हैं सबसे पहले ताकि थोड़ी सी रोशनी हो जाए, वीडियोज भी अच्छी बन जाए। चलो पहले आपको रूम चेक करा लेता हूँ, चलो मेरे साथ आए। यूरोप में आपको पता है एक इशू तो रहता ही है कि वो मुस्लिम शावर तो होता नहीं है। ये इधर इन्होंने वार्डरोब दी हुई है, ये पानी है, प्लीज गलत ना समझिएगा, जर्मनी में पानी की बोतल ग्लास में होती है। और ये जी मेरा रूम है, और ये है जी रूम का व्यू, सिटी व्यू है जी, ये पूरी फ्रैंकफर्ट सिटी यहाँ से नजर आती है आपको। ये मैरियट में स्टे किया हुआ है, क्या बात है। पेशावर शुभर लें और खाना खाने का भूख भी लगी हुई है, तो असल ट्रिप स्टार्ट होगा कल, क्योंकि कल मैंने जाना है स्विट्जरलैंड, तो स्टे ट्यून्ड। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब कुछ खाने का प्लान है, इधर जायल स्ट्रीट वगैरह भी है, सब कुछ है, अभी जाके देखते हैं कि कहाँ पे बैठना है, कहाँ खाना खाना है, कोई टर्किश क्यूज़ीन या कोई चीज़ नज़र आएगी। मौसम बहुत अच्छा, आउटक्लास है, तो आप देखते होंगे हुडी वगैरह पहन लिए, शुक्र है एक आधी लेके आए थे साथ, वरना भी तो शॉपिंग करनी पड़ेगी। यस, नज़र रेस्टोरेंट। ऑलमोस्ट कोई 30 मिनट्स की ड्राइव थी ये नज़र रेस्टोरेंट की। ये हलाल फूड है, टर्किश को भी यहाँ पर खाना खाने आए हैं। What you want for drink? What do you have for the drink tonight? For drink? खुदा इच्छित है मिस गार्ड। No, 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 no alcohol, fresh juices. Fresh is here. खाना जो ऑर्डर कर लिया है, वेटिंग। बहुत ही ज़्यादा खा लिया माशाल्लाह से, ऑर्डर बहुत ज़्यादा ही किया हुआ था, दो मतलब वो खाना तो नहीं था, वो ज़्यादा ऑर्डर किया हुआ था, भूख लगी हुई थी उसने बस ऑर्डर कर दिया। अब थोड़ा सा वॉक करने का दिल कर रहा है, वेदर बहुत अच्छा होगा यार इस टाइम, ऑलमोस्ट आई थिंक 13-14 टेम्परेचर है, हवा बड़ी अच्छी चल रही है, ठंडा मौसम है, पाकिस्तान से आके यहाँ पे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। मज़े की बात यह है कि मेरा जो तबीयत है वो भी बड़ी अच्छी होगी। नो डाउट। अभी मैं फ्रैंकफर्ट से ऑलमोस्ट कोई 30 मिनट्स दूर हूँ, यहाँ पे ये नज़र रेस्टोरेंट था, टर्किश कुजीन है, ये स्पेशल खाने आए थे, उसके बाद फिर होटल जाएंगे, और कल मैंने जाना है जी स्विट्जरलैंड। काफ़ी कुछ किया आज, भी सेलफोन की बैटरी ड्रेन हो चुकी थी, प्लेन में था, फिर होटल से आधा घंटा स्टे किया, तो उसमें जितना चार्ज हो सका चार्ज कर लिया। आपको बताया सेलफोन की आजकल बैटरीज भी इतनी कोई अच्छी होती नहीं है, मतलब नॉर्मल होती हैं, कैमरा यूज़ हो जाए तो बैटरी फ़ौरन ड्रेन होती है, तो बैटरी डेड हो गई थी, तो उसके बाद रिकॉर्ड नहीं कर सका। अभी होटल पहुँचा हूँ, अब इस टाइम टाइम है 9:30 का, तो ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं। सुबह की जी मेरी ट्रेन है जो मुझे स्विट्जरलैंड के लिए लेके जाएगी, स्विट्जरलैंड में मैं इंटरलॉकिंग जा रहा हूँ, तो फ्रैंकफर्ट से ट्रेन है ऑलमोस्ट 4.5 hours, 5 hours की लगा लें आप, सुबह 8 की है, और जो कि 2 हम लोगों को इंटरलॉकिंग, वहाँ पे फिर बाकी जो कजन्स हैं वो हमारा वेट कर रहे होंगे, वो हमें पिक करेंगे। Yeah! Yeah! I'm
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज के लिए इतना ही है, अब इस व्लॉग को मैं यहाँ पे करता हूँ एंड। काफी टायर्ड हो गया हूँ मैं भी, आपको हालत से नजर आ ही रहा होगा, तो आप बड़ी मजे की नींद आने वाली है। बाकी कल से सही जो ट्रिप है, जो मजेदार एडवेंचर साइकिलिंग ईच एंड एवरीथिंग कल के ब्लॉग में बताऊंगा आपको कि क्या। चलें अब इस व्लॉग को करते हैं, आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में कुछ न्यू वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज। निगोरी।